हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी किया और फाइनली सेलेक्ट हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट से अप्लाई किया था और मेरे प्रीलिम्स में 92.5 मार्क्स आए थे। जनरल का कट ऑफ गया था 72.5, तो मिनिमम मैंने 20 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर किए थे कट ऑफ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर पैटर्न मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया था। मैंने इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग में 35 और एप्टीट्यूड में 32 क्वेश्चंस। तो टोटल मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 100 में से, और जो मेरे मार्क्स थे वो 92.5 आए थे। इसका मतलब मैंने पेपर जो था वो 100% एफिशिएंसी के साथ अटेम्प्ट किया था। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो 0.5 या 0.25 ज़्यादा आ जाएंगे। अब मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम पेपर पैटर्न को अटेम्प्ट करें कि हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चंस किए थे और वो पूरे सही थे। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, प्लस जो आपके थोड़े से वीक सब्जेक्ट हैं उन पे भी मेहनत करनी है। आपको हर दिन एक टेस्ट सीरीज़ लगानी है। उस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप एनालाइज़ कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं या कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जैसे आपके 92 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और आपके 80 क्वेश्चंस सही हुए। अब एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपने एप्टीट्यूड का कोई एक क्वेश्चन देखा, वो आपका सही था। अब आप उस क्वेश्चन को आपने 20 सेकंड्स में किया था। अब आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए 18 सेकंड्स में करने का या 15 सेकंड्स में करने का। इसका मतलब है कि आप एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढिए। जैसे कि आप उस क्वेश्चन को आप 15 सेकंड्स में कर ले रहे हैं, तो ये आपको फाइनली बेनिफिट होगा जब आप रियल में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इन द सेम वे, अब जैसे आपके कोई वीक सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंग्लिश, तो उसमें आप इस तरीके से फोकस कीजिए कि आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो जाए। जो ग्रामर में एरर मिस्टेक्स होती हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसमें लॉजिक क्या होता है उसको फाइंड कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ साथ पर डे एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, उसको कंप्लीट करने के बाद एनालाइज कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। सिर्फ जो गलत क्वेश्चन है उन पर फोकस मत कीजिए कि उनको मैंने चेक कर लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने गलती कहाँ गई थी। वो एक अच्छी बात है, लेकिन प्लस ये भी चेक कीजिए कि जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसमें और शॉर्टकट क्या हो सकता है करने का। तो इन दिस वे यू विल गेट टू नो द ओवरऑल पिक्चर, हाउ विल यू रिड्यूस योर टाइम वाइल अटेम्प्टिंग द मेन एग्ज़ाम। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आपको कोई नई नॉलेज मिली, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।